नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। आज मैं आपके सामने सलीम मर्चेंट ने जो बयान दिया है उसके ऊपर चर्चा करने वाली हूं। आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन डांस एंड सिंगिंग रियलिटी शोज। डांस रियलिटी शो का मैं हिस्सा बन रह चुकी हूँ, दैट इज नच बलिये विद संग्राम जी। एंड डांस रियलिटी शो नच बलिये सीजन 7 वॉज प्रोड्यूस्ड बाय एकता कपूर, हु डज नॉट लिसन इवन टू द चैनल पीपल। तो सलीम मर्चेंट का स्टेटमेंट ये है दैट ही वॉज आस्क्ड टू प्रेज कंटेस्टेंट्स ऑन शोज। दिस हैपेंड टू मी, but honestly I never listened to them, that is the creative people, and that is why I'm not judging a show right now। ये उन्होंने statement दिया है to a third party। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे उनके इंसिडेंट के बारे में नहीं पता, बट मेरे इंसिडेंट को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। नच बलिये हैड 3 जजेस। चेतन भगत जो एक लेखक है, जी हाँ, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ जज टू जज अ डांस शो, जो ऑब्वियसली कुछ नहीं जानते डांस के बारे में। ही वॉज द जज। Second judge was a choreographer called as Marzi. Now I did not know much about him apart from the fact that he was one of my judges, and the third judge was actress Preity Zinta. Now Preity Zinta has been in the industry for quite a lot of time. She has not been a part of any controversy, but वो एक dancer की तरह famous नहीं हुई in Bollywood. She is not the Madhuri Dixit and the Sridevi of Bollywood. She is Preity Zinta, who has done good films, is known for her acting talent, is an outsider, has made a name for herself, but is basically one of those actresses who are very pally with the heroes in terms of being good friends। यहाँ पे कोई डबल मीनिंग मत ले लेना प्लीज। आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ IT एक्ट नाउ। तो मैं यहाँ पे इतना कहना चाहती हूँ कि प्रीति जिंता ऑल्सो हैड नो नॉलेज अबाउट डांस, चेतन भगत हैड नो नॉलेज अबाउट डांस, सो दीज 2 जजेस हैड नो नॉलेज अबाउट डांस एंड दे वर जजिंग अ डांस रियलिटी शो। Marzi, obviously he was a choreographer, so he knows about dance, but apart from that the 2 judges were not having any information about dance। Ekta Kapoor के show में ऐसा होता है कि Ekta Kapoor decides who stays in the show, who goes। She obviously decides her weekend elimination because she is more bossier and she is the boss as compared to the channel in all her shows। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। नच बलिये सीजन 7 में अगर आप फुटेज देखेंगे तो रश्मि देसाई हैड लेफ्ट द शो फॉर 2 days। बोला गया था कि उसको पैर में लगी है, बट अपेरेंटली शी हैड गॉन आउट ऑफ इंडिया टू अटेंड इवेंट बिकॉज दैट वाज अ प्रायर कमिटमेंट, मगर वो झूठ बोल के गई थी। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी एड्रेस्ड बिकॉज रश्मि देसाई इज इन गुड बुक्स विद एकता कपूर एंड द एंटायर कैंप ऑफ एकता कपूर। शी वाज अलाउड टू डू दैट, बट दैट इज रॉन्ग क्योंकि वो रियलिटी शो नच बलिये में एवरी कंटेस्टेंट हैड टू स्टे इन अ होटल एंड दे वर सपोज टू बी कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, नॉट हैविंग देयर फोन। बट ऑब्वियसली आप सबको पता है रियलिटी शोज में क्या क्या होता है। आई हैव बीन पार्ट ऑफ बिग बॉस, एंड बिग बॉस तो अभी भी चलता है, एंड लॉट ऑफ पीपल वॉच इट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी नो दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो हेवायर इन बिग बॉस। बट नच बलिये, बिकॉज इट वॉज अ डांस रियलिटी शो एंड सलीम मर्चेंट का ये स्टेटमेंट आया। आई जस्ट वॉन्ट टू से वॉट एक्चुअली हैपन्स इन शोज अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस, दैट इज डांस एंड सिंगिंग रियलिटी शोज। मे बी जजेस आर फोर्स्ड टू से थिंग्स दैट दे डोंट वॉन्ट टू से बिकॉज दैट्स हाउ दे कैन कीप देयर जॉब। नच बलिये में ऑब्वियसली एलिमिनेशंस डिसाइड की जाती थी विद कंसेंट ऑफ एकता कपूर। वी वर एलिमिनेटेड इन द 7th एपिसोड बिकॉज आई थिंक वी रिफ्यूज टू बी अ पपेट। दैट इज अ प्रॉब्लम विद संग्राम जी एंड मी। वी रिफ्यूज टू बी पपेट्स एंड दैट इज वाई वी ऑब्वियसली डोंट वर्क दैट मच विद द सो कॉल्ड पीपल हु कंट्रोल बॉलीवुड और टेलीविजन। वी ऑब्वियसली वर्क एज पर आवर डेस्टिनी बिकॉज वी बिलीव गॉड इज बिगर देन एनी ऑफ दीज गॉड फादर्स इन टेलीविजन और बॉलीवुड। यहाँ पे मुझे इतना कहना है कि एकता कपूर ने फिनाले वाले दिन विच वॉज अ 2-day शूट बहुत ज़्यादा मुझे मिसट्रीट करने का प्रयास किया बिकॉज संग्राम जी डिड नॉट अटेंड द फिनाले। ही हैड टू गो टू साउथ अफ्रीका टू अटेंड अ रेसलिंग मैच एंड ही हैड गिवन earlier notice to them that he had to go for this match, magar obviously Ekta Kapoor cannot accept that her contestants can make decisions without her approval. So because Sangram ji went for that wrestling match, she mistreated me. I had to attend the finale because it was a part of my contract and I wanted the money from her, simple as that. I did not want her to say that aapne finale attend nahi kiya to hum aapko paise nahi denge. So obviously I attended the finale. My mother was also a part of it and I saw how mean a person she is. In fact, you can even see the Nach Baliye season 7 finale footage. You see that you will find me nowhere in the finale footage recording, though I was sitting in the audience because she wanted to treat she wanted to teach me a lesson. That is why obviously I went after Ekta Kapoor, after Sushant Singh Rajput's death, because she thinks nobody can make videos on her. She thinks she's invincible because she's friends with Smriti Irani, the union minister. तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि भारत के अंदर बहुत कुछ होता है. It's people like us who speak, get trapped sometimes and IT Act is executed. तो इसलिए मैंने अभी एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा फ़ोन ले लिया है. This is my phone these days. जी हाँ, अभी अगर कोई IT एक्ट के तहत मेरा फोन कैप्चर करेगा देन दे विल गेट दिस फोन. इट इज चीप, इट कैन बी गिवन टू पुलिस व्हेन दे वांट टू कॉन्फिस्केट फोन, एंड ऑब्वियसली यू डोंट फील बैड बिकॉज इट्स ओके टू गेट रिड ऑफ फोन्स लाइक दीज. दे आर नॉट एक्सपेंसिव हैंडसेट्स. तो मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ क्योंकि आई थॉट आई वॉज लिविंग इन अ कंट्री वेयर आई वॉज अलाउड टू टॉक, बट आई बिलीव that my talking is not liked by a lot of people and I get into mess because I talk. I don't use my hands, I don't do anything illegal, but just because I talk I get into mess. So isliye maine socha let's talk about reality shows after reading Salim Merchant's statement. Let's see ye statement ye video ke baad kya hota hai. But ye jo mere sath hua that happened in front of all the other contestant witnesses. So I am not fabricating a storyboard. We were eliminated in the 7th episode. I was not a part of any finale movement, though I was sitting in the audience, and Rashmi Desai had left the show to go to US saying that she had hurt her leg, though she was not allowed to go outside the Royal Palms Resort where the shooting was happening as per the contract. We were supposed to be cut off from the world. तो ये सब चीज़ें मैं बोल रही हूँ on the basis of my own experience as well as facts, which will be backed by the shooting of Nach Baliye season 7. That's it. इतना ही कहना है. बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है. टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु कम फ्रॉम वेरियस स्मॉल टाउन्स टू बॉम्बे टू बिकम अ एक्टर इन टेलीविजन और फिल्म्स, इतना ही कहना है. डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स जस्ट बिकॉज यू आर एलिमिनेटेड इन सम शो इन द फर्स्ट एपिसोड. इट्स ओके, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. मे बी यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, एंड इफ यू विन अ रियलिटी शो एंजॉय द ग्लोरी, एंजॉय द मनी, गो अहेड फर्दर इन योर लाइफ. बट इफ यू आर एलिमिनेटेड इट्स ओके, टेक इट इन योर स्ट्राइड. वन रियलिटी शो कैन नॉट डिसाइड योर ड्रीम. यही कहना है. तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद.